हेलो ब्रोन, आपका बार फिर से तुलसी सेंटर में स्वागत है। आज किस वीडियो में मैं आपको बायो सेवर्ट का नियम बताऊंगा। क्या बताऊंगा? बायो सेवर्ट का नियम क्या है और अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण अनंत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सूत्र लिखी। ये क्लास टेंथ का वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि फॉर्मूला निकालना है मुझे, निगमन करना है, ये समझ लो बायो सेवर्ट का नियम। तो इसको इतनी आसान तरीके से बताऊंगा ना, कसम से कह रहा हूँ, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बायो सेवर्ट नियम लास्ट तक देखते रहिए। चैनल पर फर्स्ट प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। क्लियर? तो बायो सेवर्ट नियम जो है इसको सुनिए। बायो सेवर्ट, इसमें गैप रहना चाहिए तो मैं एक साथ लिख दिया, तो इसलिए सॉरी बोलना चाहूँगा। तो ये फ्रांस के थे, कहाँ के थे? फ्रांस। सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कहाँ के थे? फ्रांस के थे। फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कौन कौन थे? ये दो लोग थे। जैसे अब किसी चीज़ का कोई आविष्कार करता और दो लोग थे, तो कोई अकेल, बहुत कम ही लोग जो आविष्कार करते, तो कई लोग मिल के आविष्कार करते हैं। तो बायो सेवर्ट दो लोग थे, एक बायो थे एक सेवर्ट थे, दो लोग थे। तो बायो सेवर्ट ने एक नियम बताया, फ्रांस वैज्ञानिक बायो सेवर्ट, दो लोग थे, ध्यान में रखिए, बायो अलग थे सेवर्ट अलग थे। तो बायो और सेवर्ट ने यह नियम बताया कि जो धारावाही चालक है, जो उससे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता स्थापित की जाती, क्या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता स्थापित की जाती, उसी को क्या कहते हैं? बायो सेवर्ट का नियम। तो उन्होंने जब नियम दिया तो अपने ही नाम से, क्या अपने ही नाम से बायो सेवर्ट कहलाए कर लिए। ठीक है, तो समझ आया ना। तो बायो सेवर्ट नियम, फ्रांस के वैज्ञानिक थे बायो और सेवर्ट, और जो कि वो प्रयोगों द्वारा जो है धारावाही जो चालक है, जो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रतिपादित किया है, जो सूत्र स्थापित किया, जो सूत्र बनाया है, जो सूत्र दिखाया है, तो वही क्या कहलाता है? आपका बायो सेवर्ट नियम कहता है। ठीक, अब देखिए यही चीज़ आपको लिखना है, आपके सामने ही लिख रहा हूँ। लिखो फ्रांसीसी वैज्ञानिक, यानी कि कहाँ के थे? फ्रांस के थे। फ्रांसीसी वैज्ञानिक कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो, दो लोग थे, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बायो थे और कौन था? सेवर्ट थे। दो लोग थे, बायो एवं सेवर्ट ने प्रयोगों द्वारा धारावाही, क्या चीज? धारावाही चालक, क्या है? फ्रांसीसी वैज्ञानिक, यानी कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक बायो एवं सेवर्ट ने प्रयोगों द्वारा धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय, क्या चीज? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना। तो क्या कौन थे? फ्रांस के वैज्ञानिक थे, बायो थे और सेवर्ट थे, और उन्होंने धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्रतिपादित किया, यानी कि सूत्र निकाला, और जो सूत्र निकाला वही क्या कहलाता है? बायो सेवर्ट के नियम। और लिखो कि या जो बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं, जो बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं, का नियम कहते हैं। समझ में आया? मुझे उम्मीद है समझ में आएगा, क्योंकि बहुत आसान था। देखिए, फ्रांस के वैज्ञानिक थे बायो एवं सेवर्ट ने, वो जो है धारावाही, जो क्वेश्चन, इसको ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक है ना। अब इसका डायग्राम देखिए, उन्होंने धारावाही चालक का कुछ इस प्रकार से बनाया, ब्लैक पेन से मैं बनाना चाहूँगा ना, उन्होंने ऐसे कुछ बनाया। ठीक है ना। अब यहाँ से कोई एंगल निकाल दिया और यहाँ पर क्या बनेगा? एक कोण बनेगा, और जो ये कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? थीटा कोण कहलाएगा। ठीक है ना। अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? ओ है, ध्यान समझिए, यहाँ पर कोई, और ये जो दूरी है, ये दूरी आर है, यहाँ पर कोई बिंदु क्या है? पी है। तो यहाँ से धारावाही चालक से किसी आर दूरी पर, जैसे बहने वाली ये धारा है ना, ये बहने वाली धारा है, ये मान लेते कोई धारा बह रही है, ये जो बहने वाली धारा है इसमें आर दूरी पर कोई बिंदु क्या है? पी है, समझिए इसको। और ये जो ऊपर जा रहा है, ये क्या है? आपका धारा बह रहा है, ऐसे ऊपर जा रहा है धारा। ठीक। और यहाँ पर कोई है क्या? बी है। अब इसको लिखिए, कैसे लिखेंगे आप? इसमें चार पॉइंट लिखेंगे। पहला पॉइंट ये रहेगा कि जो चालक खंड है, अभी समझा रहा हूँ, आएगा आराम से। चालक खंड क्या? चालक खंड की लंबाई, बताओ लंबाई किससे प्रदर्शित करते हैं? लंबाई डेल एल से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई क्या होता है? डेल एल होता है, डेल्टा एल से, डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होते हैं। ये फार्मूला आपको याद होगा, नहीं याद होगा तो याद कर लो, अनुक्रमानुपाती होता है, ये पता है ना आपको, लिख लेना अच्छे से, होता है।
तो ये क्या होता है, चालक खंड की जो लंबाई होती है ये डेल्टा एल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि चालक खंड क्या है, बी, बी किसके अनुक्रमानुपाती है, डेल्टा एल के। पहले एक बार किसका, एक बार देखिए, एक बार डेल्टा लंबाई के कर दीजिएगा, एक बार क्या धारा के कर दीजिएगा, एक बार दूरी का, और एक बार थीटा के, ठीक। अगर चारों कर देंगे तो चारों को मिला लेंगे। अब दूसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, जो बहने वाली धारा है, बहने वाली धारा आई, बहने वाली धारा क्या है, आई, आई के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, किसके अनुक्रमानुपाती होता है, जो बहने वाली धारा है, धारा क्या होता है, आई, उसके अनुक्रमानुपाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी प्रोपोर्शनल आई, यानी आई धारा के अनुक्रमानुपाती होता है ना, तो यानी कि बी हमेशा रहेगा जो बहने वाली धारा है। अब तीसरा इसी में ऐसे लिखेंगे, जो बिंदु है, बिंदु तक की गई दूरी क्या है, स्मॉल और है, आर है, स्मॉल आर के वर्ग के, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, किसके अनुक्रमान, व्युत्क्रमानुपाती होता है, आर के, स्मॉल और के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्या हो जाएगा, बी है ये सब में, और इसमें भी क्या करेंगे, आर के ना, आर के वर्ग के, देखिए आर क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इसी प्रकार रहेगा तभी तो होगा ना। अब एक और पॉइंट लिखेंगे, लास्ट पॉइंट जो चौथा पॉइंट है, जो थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, ज्या के अनुक्रमानुपाती भैया क्या होता है, बताओ जल्दी से, होता है थीटा के ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि क्या हो जाएगा आपका, बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, ठीक। देखिए सब में बी बी आ रहा है, अगर इसको समीकरण मानना हो तो मान सकते हो, अगर नहीं मानना तो कोई ज़रूरत नहीं। देखिए सब में बी बी आ रहा है तो बी लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब प्रोपोर्शनल भी सब में लिख लो ऐसे, ठीक। अब देखिए जो है, पहले देखिए क्या था, डेल एल है तो इसको लिख लेंगे, बी प्रोपोर्शनल डेल एल है, फिर क्या है, आई है, फिर क्या है, एक बटे के आर स्क्वायर है, फिर क्या है आपका, साइन थीटा है, जैसे था वैसे मैं लिख लिया, अब कुल के बटे ऐसे कर दो, अच्छा लगेगा थोड़ा देखने में, है ना। ये क्या है, डेल एल, देखिए यहाँ पर आई था, आई वन है इंटू साइन थीटा। अब इसको आप अच्छे से लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, देखिए बी प्रोपोर्शनल इसको आई को आगे कर दो, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा ना, आई इंटू डेल एल साइन थीटा बटे के आर स्क्वायर, ठीक। आप चाहे तो इसको यहीं पे छोड़ सकते हो, चाहे तो आप लिख सकते हो, अगर प्रोपोर्शनल हटाऊंगा मैं यहाँ पर, देखिए सॉरी इसमें जगह नहीं है अब इसके नीचे, तो यहाँ पर मैं बता दे रहा हूँ, देखिए फाइनल वाला आंसर क्या आ जाएगा, अगर मैं प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, बी इज इक्वल टू जो अनुक्रमानुपाती है ना, यहाँ पर सिर्फ लग जाएगा क्या, न्यू जीरो बटे के फोर पाई, और कोई चेंजिंग नहीं हुआ, और जो लिखा है आई इंटू डी एल साइन थीटा, इसको ऐसे सेम लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा क्या है, बायो सेवर्ट का नियम कहलाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, यदि समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए बिना मजे। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।